हमारे इतिहास के इस अहम मौके पर जब वर्षों के संघर्ष और जद्दोजहद के बाद हम अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं हमें उस परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए जो मनुष्यों और देशों के भाग्य को बनाता है उन अनेकानेक ज्ञात और अज्ञात जाने और अनजाने पुरुषों और स्त्रियों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने इस दिन की प्राप्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हंसते हंसते फांसी की तख्तियों पर चढ़ गए गोलियों के शिकार बन गए जिन्होंने जेलखानों और काला पानी के टापू में गुलगुल गुल कर अपने जीवन का उत्सर्ग किया जिन्होंने बिना संकोच माता पिता स्त्री संतान भाई बहन यहाँ तक कि देश को भी छोड़ दिया और धन जन सबका बलिदान कर दिया आज उनकी तपस्या और तप का ये फल है हम इस दिन को देख रहे हैं हम अपनी श्रद्धा और भक्ति का उपहार महात्मा गांधी को भी भेंट करें तीस वर्षों से तीस वर्षों से वह हमारे पथ प्रदर्शक बने रहे हैं और एकमात्र आशा और उत्साह की ज्योति रहे हैं हमारी संस्कृति और जीवन के उस मर्म का वो प्रतीक है जिसने हमको इतिहास के आफतों और मुसीबतों के बीच भी जिंदा रखा है निराशा और मुसीबत के अंधेरे कुएं से हमको उन्होंने खींच निकाला और हमारे दिलों में ऐसी जिंदगी फूकी कि हम में अपने जन्म सिद्ध अधिकार स्वराज्य के लिए दावा पेश करने की हिम्मत और ताकत आई उन्होंने हमारे हाथों में सत्य और अहिंसा का अचूक अस्त्र दिया जिसके जरिए बिना हथियार उठाए स्वराज्य का अनमोल रतन इतने कम दाम में इतने बड़े देश के लिए और यहाँ के करोड़ों आदमियों के लिए हमने हासिल किया हमारे जैसे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा महासचिव और सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत है और साथ ही देश भर से आए युवाओं का भी मैं अभिनंदन करती हूँ मैं यहाँ पे लोकसभा सेक्रेटरी जनरल का स्वागत करती हूँ संसद भवन का ये कक्ष महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरों से सुशोभित है यहाँ राष्ट्रीय नेताओं की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है केंद्रीय कक्ष में सर्वश्रेष्ठ भारतीय वास्तुशिल्प और परंपरा का प्रतिबिंब साफ झलकता है संसद का केंद्रीय कक्ष वही ऐतिहासिक जगह है जहाँ भारत की संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को बैठक की थी यह कक्ष कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में युवा भागीदारी की शुरुआत भी की गई है इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को इन महान राष्ट्रीय नेताओं के योगदान से परिचित कराना है राष्ट्रीय परिपेक्ष में इन्हें संदर्भित करना है 2022 यानी आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष भारत के संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों से देश के युवाओं को अवगत कराने का एक सुनहरा अवसर है लोकसभा सचिवालय का संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज दैट इज प्राइड ने शिक्षा मंत्रालय और युवा मामलों के विभाग के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है इस ऐतिहासिक स्थल पर युवाओं को महान राष्ट्रीय नेताओं की जयंती पर उनके बारे में अपने विचार रखने के लिए मौका दिया जा रहा है इस कार्यक्रम की शुरुआत इसी वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर की गई थी जिसमें देश भर से आए युवाओं ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया था आज यानी 3 दिसंबर का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है आज हम देश के पहले राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ राजेंद्र प्रसाद जी की एक जयंती मना रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी एवं भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले भारत रत्न डॉक्टर प्रसाद कहा करते थे मंजिल को पाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए याद रहे मंजिल की ओर बढ़ता रास्ता भी उतना ही नेक हो इसी नेक सोच के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देश भर के स्कूलों और कॉलेजों से विभिन्न प्रतियोगिताओं के आधार पर 77 युवा प्रतिभागियों का चयन किया गया है हमारे प्रतिभागी यहाँ 25 राज्यों और तीन केंद्र प्रशासित राज्यों से चुनकर आए हैं इनमें से 28 चयनित प्रतिभागियों को देश के विकास में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म जयंती पर बोलने का अवसर मिलेगा इस आयोजन में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग उच्चतर शिक्षा विभाग और युवा कार्यक्रम विभाग की अहम भूमिका रही है यहां मैं सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा का भी स्वागत करना चाहूंगी और साथ ही आपको नियमों से अवगत कराना चाहूंगी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को तीन मिनट का अवसर मिलेगा और दो मिनट पैंतालीस सेकेंड पूरे होते ही घंटी बजाई जाएगी प्रतिभागी अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी वक्तव्य प्रस्तुत कर सकते हैं आप सभी के लिए इंटरप्रिटेशन की सुविधा मौजूद है क्षेत्रीय भाषा में दिए जा रहे भाषण के दौरान आप सभी अपनी सीट के सामने रखे हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप भाषण को हिंदी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं कार्यक्रम की शुरुआत करते मैं अब आग्रह करना चाहूंगी देश भर से आए युवाओं को कि वो मंच पर आकर अपने विचारों के जरिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को श्रद्धांजलि दें सबसे पहले मैं निमंत्रण देना चाहूंगी अर्जुन गुप्ता जी को जो दिल्ली से आए हैं और अंग्रेजी भाषा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को सादर नमन आई एम अर्जुन गुप्ता आई रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एंड चेसयूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप वंस अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर सेड वी वांट आवर ओन प्रोस्पेरिटी बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द प्रोस्पेरिटी ऑफ अदर्स वी वॉन्ट टू प्रोग्रेस बट Not by aggression. We want to be free, but at the same time, we want to ensure freedom to everyone else. Dr. Rajain Prasad was an erudite scholar, an able administrator, a great parliamentarian, a renowned jurist, and, above all, a humanitarian to the core. He was fondly called as Rajain Babu. By his friends and admirers. He was committed to the welfare of the country and remained in the vanguard of India's freedom struggle. He guided the destiny of New India after independence. There are several incidents in his life which make us proud of him. He was a strong supporter of Gandhian ideology and participated in the swadeshi movement he was a leader who lived by the principle of simple living and high thinking as a minister of food and agriculture he gave the slogan grow more food a testimony of his far sightedness his natural tendencies of simple living were further enhanced by his association with gandhi he adopted a great role in public service and won the hearts of others. He said, No matter how beautiful, well organized, or strong any constitution is made, if not run by true, fearless, and selfless servants of the country, then it cannot do anything. I bow down to the first president of the country. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बर्थ एनिवर्सरी, जय जय हिंद, भारत, थैंक यू धन्यवाद अर्जुन गुप्ता सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत का निर्वाह करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन पर अपने विचार रखने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से विशाखा यहाँ उपस्थित सभी सभाजनों को मेरा नमस्कार मैं विशाखा कक्षा ग्यारहवीं केंद्रीय विद्यालय मथुरा कैंट की छात्रा हूँ आज मैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी के जन्मोत्सव के अवसर पर आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर अठारह में बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गाँव में हुआ था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका उनका पदार्पण वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते ही हो गया था चंपारण में गांधी जी ने एक तथ्य अन्वेषण समूह भेजते समय अपने स्वयं सेवकों के साथ आने का अनुरोध किया था राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी की निष्ठा समर्पण एवं साहस से बहुत प्रभावित हुए साथ ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई उन्होंने भारतीय संविधान निर्माण में भी अहम योगदान दिया था राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा के अतिरिक्त कई पुस्तकें लिखीं जिनमें से बापू के कदमों में बाबू इंडिया डिवाइडेड सत्याग्रह एक चंपारण गांधी जी की देन इत्यादि उल्लेखनीय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्नीस में सेवानिवृत्त हुए उन्हें उनकी सेवाओं के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया 28 फरवरी उन्नीस में उनका देहांत हो गया हम सभी को उन पर आज गर्व है उन राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण आदित्य है जय हिंद जय भारत धन्यवाद विशाखा गांधी जी के आदर्शों सिद्धांतों और आजादी के आंदोलन से प्रभावित होकर डॉ प्रसाद ने पूरा जीवन अपनी देश सेवा में लगा दिया उनके जीवन पर प्रकाश देने आ रहे हैं अगले प्रतिभागी अतुल शतवर्थ नादिक कर्नाटका से जो अंग्रेजी भाषा में अपने विचार रखेंगे नमस्कार I'm अतुल शतवर्थ नाडिक फ्रॉम बेंगलुरु एंड इट इज ट्रूली एन ऑनर To stand before all of you at the same august place as where Pandit Jawaharlal Nehru gave his famous speech, Tryst with Destiny. There is no resting place for a nation or a people on their onward march. I stand before all of you to talk about the person who said these profoundly true words, Dr. Rajendra Prasad, the first president of India and someone who worked tirelessly for the progress of our country. He was born on this day. In 1884, 138 years ago, he graduated from the Presidency College, Calcutta, with the first division. He was considered so knowledgeable that even the examiners claimed that he was better than them. He taught at various places before finally deciding to study law at Ripon College. In 1915, he won a gold medal in the Masters in Law examination and subsequently became a successful lawyer. But even before all of this, he was already involved in the struggle for independence having joined the indian national congress in 1911 he joined mahatma gandhi in bringing justice to and removing fear from the minds of the peasants of Champaran. he was so impressed by gandhiji's dedication that he decided to quit his lucrative career as a lawyer and join the non-cooperation movement in 1920 he became the president of the national congress and also went on to become president of the Constituent Assembly. On the 26th of January 1950, as the Constitution of India was ratified, he became our very first president. After a highly respected tenure of 12 years as president, he finally retired in the year 1962. He passed away the next year. A president who gave three fourths of his salary for the progress of our nation. We will remember him forever as the epitome of humility and integrity. Thank you. देश को स्वाधीन कराने के लिए संघर्ष करने के साथ साथ डॉक्टर की संवैधानिक परंपराओं के निर्माण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनके योगदान पर हम सबके साथ हमारे साथ साझा करने आ रहे हैं अगले प्रतिभागी कर्नाटक से हरिका विनोद जो अंग्रेजी भाषा में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे वैष्णव जन तो रे वैष्णव जन तो रेस्पेक्टेड डिग्नेट्रीज एंड माय डियर फ्रेंड्स अ प्लेजेंट मॉर्निंग टू यू ऑल आई एम हारिका विनोद फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर I feel honored for having received the opportunity to speak a few words on the life and deeds of one of the tallest statesmen of independent India, Dr. Rajendra Prasad, on the occasion of his 138th birth anniversary. Today, when India needs a future generation with high morals, ethics, and character, Dr. Rajendra Prasad stands as an ideal example and inspiration of truthfulness and simplicity. Which means a valuable diamond does not seek, it is only sought after. This Sanskrit quote aptly describes the Bharat Ratna awardee, Dr. Rajendra Prasad. Mahatma Gandhi called him Ajatashatru, which means a man with no enemies, due to his great personality, his straightforwardness, simplicity, and politeness clearly reflected in his thoughts and deeds. Our country is blessed to have had Dr. Rajendra Prasad as our first president for two consecutive terms, that is, from 1950 to 1962. Dr. Rajendra Prasad was one among the chief architects of modern India. He was also an eminent freedom fighter, a renowned jurist, an eloquent parliamentarian, an able administrator, a diplomat par excellence, and above all, a humanitarian to the core. Dr. Rajendra Prasad was a brilliant student throughout his academic career. He was also a great professor, lawyer, and an essayist, too. Besides Hindi, his mother tongue, he knew Sanskrit, Urdu, Persian, and English. He wrote several books in Hindi and English. Thus, he combined in himself the traditions of ancient, medieval, and modern India, even in the literary sense. Dr. The most famous works of Dr. Rajendra Prasad include India Divided, Atma Kata, Satyagraha at Champaran, and Bapuke Kadmome. He used to associate himself with the happiness and sorrows of the people. The spirit of dedication shown by him at the time of floods in Bihar and Bengal in 1914 and the time when the earthquake struck Bihar in 1934 are unparalleled examples of his service to the nation. Thus he, thus he not only gave the most precious years of his life to the freedom struggle but also worked and fought for the betterment of the underprivileged. however, on that day of 1963, 28 february, the great son of bharat mata set sail to his heavenly abode, leaving behind all his ideologies that this nation will always cherish. द लाइफ ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड कंट्रीब्यूट कंस्ट्रक्टिवली टू री एस्टैब्लिश इंडिया एज विश्व गुरु इन हिस्ट्री थैंक यू एंड जय हिंद धन्यवाद हरि का महान स्वतंत्रता सेनानी संविधान सभा के अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद जी की जन्म जयंती पर अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे महाराष्ट्र से ओमहारी कल्याण जाधव संसद भवन में उपस्थित सभी मान्यवर और इस भारत देश के विविध प्रदेशों से आए आए मेरे नौजवान दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं एनएसएस महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए जाधव ओम हरि सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अभिवादन करता हूँ जिरादे के कमलेश्वरी महादेव का सितारा जिरा के कमलेश्वरी महादेव का सितारा जिसने अपने कर्मों से बढ़ाया लोगों की सोच का पिटारा सरल जीवन ऊंचे विचार सरल जीवन ऊंचे विचार यही था उनका व्यवहार सच्चाई और सादगी के अवतार अंदर और बाहर का जीवन अंदर और बाहर का जीवन जिनका था एक समान हम सब भारतवासी जिनका करते हैं सम्मान हम सब भारतवासी जिनका करते हैं सम्मान राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में हम अगर बात करेंगे तो भा, भारत वर्ष के राष्ट्र विकास में जो उनका योगदान है वह योगदान शब्द मात्र में सीमित करना असंभव है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बचपन से ही इतने होशियार चालाक और बुद्धिमान थे प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा तक उन्होंने प्रथम क्रमांक ही हासिल किया जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए वह महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह राष्ट्रीय कांग्रेस में भर्ती हुए तब से उन्होंने जो अच्छा काम किया उस काम के बदले में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए उनके कार्यकाल में उन्होंने संगठन को बढ़ावा तक दिया मजबूत बनाया और प्रभावशाली बनाया उस कर, उस कार्यकाल के दौरान उन्होंने असंख्य ऐसे जैसे आंदोलन में हिस्सा लिया चाहे वो पटना विद्यापीठ बिल की बात हो चाहे चंपागरण सत्याग्रह की बात हो या असहकार पर्व की बात हो अब जब हम असहकार पर्व की बात करने ही लगे हैं तब जब उन्होंने अपने बड़े भाई को मिला साहब नाम का किताब वापिस करने को कहा और खुद ही पटना विश्वविद्यालय के सीनट पद का इस्तीफा देकर अपने पुत्र को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में जो आप पढ़ते हो उसका दाखिला किसी स्वदेशी विश्वविद्यालय में लो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई त्याग नहीं इससे बड़ी कोई राष्ट्रप्रेम और इससे बड़ा कोई राष्ट्र निष्ठा नहीं इसके बाद हम जब उनके कार्यों की ओर देखते हैं तो उनका कार्य जो 12 साल में उन्होंने इस भारत देश के बुलंदियों के छूने तक उन्होंने जो कार्य किया वो सबसे बड़ा असम जो इतना बड़ा कार्य है कि हम सोच भी नहीं सकते या शब्द में सीमित नहीं कर सकते मैं आखिर यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो कार्य किया है वो हमारे भारत देश को एक बुलंदियों तक छूके गया है एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि हम तो भारत देश छोड़कर चले जाएंगे लेकिन आप यहाँ पर एक खड़कंप मच जाएगा लेकिन आज वही भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है किस लिए तो भारत के संविधान के लिए और उसी भारत के संविधान के अध्यक्ष सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे अंत में यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पूरे जीवन विचार का हम जब अभ्यास करते हैं तब यही ध्यान में आता है कि सच्चाई सरलता और कोई भी अपोजिशन नहीं इतना अच्छा नेता होने के बाद उनको भारत रत्न मिलता है हमारे सबके दिल में वह जगह आज भी है और वो रहनी चाहिए अंत में उनकी प्रतिभा को नमन करते हुए मैं महाराष्ट्र का प्रतिनिधि जाधव ओमरी इस मंच की और आपकी रजा लेना चाहता हूँ अभिवादन थैंक यू जाधव अगले प्रतिभागी हैं नागालैंड से अलोनो थोरी जो अंग्रेजी भाषा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे Namaste, I am Dr. Alun representing Nehru Viva Kendra Sanangathan from the beautiful state of Nagaland, which is engulfed in mystery and inhabited by 1.9 million people zealously guarding our culture and values. Reflecting back on my years in Kolkata, where I did my PhD, I feel emotional and proud to think. That I have also strolled the same streets and walked through the same halls that Dr. Rajendra Prasad, the first president of India, once walked through as a student. However, alongside this nostalgia, I stand here retrospecting whether we, the youths of India, are still following the noble legacy of selflessness and patriotism that this nation builder has exemplified from the times. Of India's fight for freedom till the era of India's nation building, his fortitude and principles have been a beacon for our nation. As a freedom fighter, Rajendra Babu set the tone to walk the talk. In the wake of the Swadeshi and non cooperation movement, when Gandhiji called for the boycott of Western education, Rajendra Babu asked his own son to drop out of Calcutta University and join the, India, the traditional Indian University of Bihar Vidyapit. Today, we may not find many people like him who practice what they preach. A day before Rajendra Babu was warning as the first president of India, his elder sister Bhagwati Devi died. In the midst of this personal crisis, he kept his nation first and returned for the crematory rituals only after fulfilling his duties towards his countrymen. Today, when India's youths are being bombarded with slogans of self love to keep oneself first before everything else, we need to look back on this great nation builder, learn to look beyond our being, and reignite our patriotism for our country. As a statesman, Rajendra Babu was a peacemaker. He strived to forge India's global position as a peacemaker, as a peacekeeper. He traveled extensively to different countries, extending India's hands of friendship to maintain peace and tranquility in the world. Today, when the world is reeling under the grip,

कुंडलिया ऋचा कांतिलाल जो हिंदी भाषा में अपने विचार प्रस्तुत करेंगी और डॉक्टर प्रसाद के जीवन पर प्रकाश डालेंगी आज इस अवसर पर उपस्थित हर एक व्यक्ति को मेरा सादर प्रणाम मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है मैं कुंडलिया रिचा एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा गुजरात की विद्यार्थिनी आज इस अवसर पर अपना वक्तव्य एवं अपने विचार व्यक्त करूंगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के अनमोल रत्न में से एक रत्न थे उनका जन्म 3 दिसंबर अठारह में हुआ था और वह भारतीय नेता वकील स्वतंत्रता कार्यकर्ता पत्रकार एवं विद्वान भी थे और यही नहीं गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने कई सारे सत्याग्रह और कई सारे आंदोलन भी किए हैं और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा उन्हें कैद कर लिया गया था किंतु भारत राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने सब सह लिया और वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और संविधान के निर्माण के लिए उनका श्रेष्ठतम योगदान रहा है उनके जीवन का मैं एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि जब वे राष्ट्रपति पद पर थे तब उनकी पुत्री और उनके नातिन एक बार उनसे मिलने आए मिलने के बाद जब वह लौट रहे थे तब राजेंद्र बाबू ने उनके नातिन के हाथ में एक रुपया दिया वो देखकर उनकी पत्नी ने बोला अरे आपने तो कमाल कर दिया इतने ऊंचे होदे पर हैं और नातिन को भेंट में एक रुपया दे रहे हैं तब राजेंद्र बाबू ने सहजता से बोला कि तुम ही सोचो जितना मेरा वेतन है और जितने इस देश में बच्चे हैं अगर मैं सभी को एक एक रुपया दूं, तो वह मेरे वेतन से पूरा पड़ेगा यह सुनकर उनकी पत्नी निरुत्तर हो गई ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी डॉ राजेंद्र प्रसाद सर के लिए मैं कहना चाहूंगी कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज अ पेनफुल स्टोरी एवरी पेनफुल स्टोरी हैज अ सक्सेसफुल एंडिंग एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर द सक्सेस राइट उन्होंने हमारे युवाओं को ये सीख दी है कि हर एक युवा के अंदर कौशल्य छुपे हैं उन्हें बाहर लाने की आवश्यकता है एक युवा के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भारत की प्रगति के पंथ पर आगे बढ़ गए अंत में मैं इतना कहना चाहूँगी कि मत सोचिए मेरे दोस्त कि तेरा सपना कभी सच नहीं होगा हिम्मत वाले इंसान का इरादा कभी अधूरा नहीं होता जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है उसके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता थैंक यू सो मच फॉर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी जय हिंद जय भारत अस्तु धन्यवाद कुंडलिया ऋचा कांतिलाल सादगी और सदाचार की प्रतिमूर्ति महान स्वतंत्रता सेनानी देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर अपनी सच्ची निष्ठा अर्पित करने आ रहे हैं एंड वही मास्के कर्नाटका से जो इंग्लिश में अपनी विचार प्रस्तुत करेंगे In attaining our ideals, our means should be as pure as the end. This was a great quote given by a great personality, Dr. Rajendra Prasad. Namaste, good morning to all the dignitaries present here today. Myself, Anvei Maske, a student of Kendra Vidya Bangalore, a swimmer and a proud Indian. Dr. Rajendra Prasad, born on 3rd December 1884, was an eminent freedom fighter, a journalist, a lawyer, an eloquent parliamentarian. Enable administrator, a statesman par excellence, and above all, a humanist to the core. He was a man of multifaceted expertise and the only two term president in India's history, a testament to his ability to remain level headed during India's formative years. He also responded to the call by Mahatma Gandhi to boycott all the Western educational establishments by asking his son, Mrityunjay Prasad, to drop out of his studies and enroll himself into the Bihar Vidyapith, an institution formed by him and his colleagues, based on the traditional Indian model. He, he operated independently of politics, fulfilling his constitutionally mandated position of the president. Dr. Ajendra Prasad was a great humanitarian who inspired us to be patient and humble to achieve our goals. He was a good moderator, tempered in his approach, patient and humble in his lifestyle, firm and resolute in the face of pressure. He played an active role in both, towards both India's fight towards independence and the consolidation of independent India. Thus, he lived up to the sobriquet Desh effortlessly and remains even today as a role model to the people of young India, his words, there is no resting place for a nation or a people on their onward march, will be our guiding force, our inspiration. Mahatma Gandhi rightly called him a man amongst men. Our history is full of such ideals and inspirations. Friends, now it is our turn to take India to the next level, whether it be in sports, culture, country's development, or humanitarian work. And make our country uh, uh, proud and keep our country's flag always flying high. जय हिंद थैंक यू एंड वे के राष्ट्रहित में समर्पित डॉक्टर प्रसाद का विराट जीवन हम सभी के लिए आज प्रेरणा स्रोत है अगली प्रतिभागी है आर महिता तमिलनाडु से जो अंग्रेजी भाषा में डॉक्टर प्रसाद पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे great leadership starts with a willing heart, a positive attitude, and a burning desire to make a difference. Pranam, namaste, and vanakam. I'm Mahita A. from Tamil Nadu, and I take immense pride and pleasure to speak about one such leader who has made a great difference, Dr. Rajendra Prasad. He is an eminent freedom fighter, a renowned jurist, an active journalist, an inspiring writer, a brilliant scholar, an eloquent parliamentarian, a statesman per excellence, and the first president of the independent India. He is the founding father of modern India, an epitome of simplicity. To, to speak about his contributions as a freedom fighter, his goal was to achieve freedom and economic regeneration he was greatly inspired by the determination of mahatma gandhi and he took part in the satyagraha at champaran he took an active part in the non cooperation movement along with gandhiji and he swore he pledged non violence as a president of indian national congress he passed the quit india resolution for which he was apprehended and jailed for three years, as an active and efficient negotiator, along with Sardar Vallabai Patel Ji, he was a part of Partition Council, under, set up under the chairmanship of Lord Mountbatten. It is because of his clear perception and far-sightedness we were able to obtain a just and fair settlement of assets and liabilities. He settled various issues. Relating to the economic relations, central services, currency and coinage, armed forces, and so on, in the favour of India. And as a head of the Constituent Assembly, he played a crucial role in forming the Constitution of our nation along with Dr. Ambedkar. In 1946, in the interim government set up under the Pandit Jawaharlal Nehru, he joined as the Food and Agriculture Minister. He believed in food maximization and amelioration of the lives of peasants. In 1950, India became a republic, and Dr. Rajendra Prasad was sworn as the first president of independent India and the only president who served for two consecutive terms. They say a sign of a good leader is not how many followers they have. But how many great leaders they create? Dr. Rajendra Prasad has published eight books, such as Division of India, Satyagraha at Champaran, and much more, to nourish the young minds and create great leaders. And on, I'd like to conclude with one of his inspiring quotes. He said, There is no resting place for a nation and people on their onward march on his birthday.

अगले प्रतिभागी हैं असम से दीपांकर ओझा जो हिंदी में डॉक्टर प्रसाद के जीवन पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे नमस्कार मैं महान देश भारत का एक जिम्मेदार जुबा अपने राज्य असम को प्रतिनिधित्व करते हुए मैं दीपांकर आज इस मंच पर उस व्यक्ति का जिक्र करने के लिए उपस्थित हूँ जिन्होंने जन्म तो आज़ादी के रोशनी से कोशों दूर गुलामी के जंजीरों से बंधे भारत मिली थी लेकिन अपने जीवन परिक्रमा में वे ना सिर्फ आजादी की लड़ाई में खुद को जोड़ा बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को समर्पित करने के साथ आजाद भारत की नीम देश के आने वाले सैकड़ों पीढ़ियों के लिए श्रेष्ठ भारत का दलील भारत का संविधान प्रस्तुत करने की महान कार्य में भी अपना योगदान दिया मृत्यु के उन सात साल बाद भी जिनका नाम हम भारतवासी गर्भ से लेते हैं वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर, पर रहने के बावजूद अपने वेतन का सिर्फ पचास प्रतिशत लेते थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश का संविधानिक प्रमुख होने के बावजूद बिलासिता से कोशिश दूर रहने वाले उस व्यक्तित्व का नाम था राजेंद्र प्रसाद कोलकाता विश्वविद्यालय में कानून की डिग्री पर स्वर्ण परीक्षा विभूषित होने के बावजूद खुद को देश और जनगण के नाम समर्पित करने वाले महान पुरुष का नाम था राजेंद्र प्रसाद जिनका जन्म तीन दिसंबर अठारह को बिहार के जिलादेव नामक स्थान पर हुआ था जब बचपन से एक प्रतिभाशाली और बुद्धिमान छात्र था लेकिन पढ़ाई में पटना का का काशी और आगरा इन तीन विश्वविद्यालयों से उन्होंने गवेशा की और राजेंद्र प्रसाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपाधि ली शिक्षा जीवन समाप्त करने के बाद उन्होंने बकालत को ही जनसेवा का माध्यम के तौर पर चुना लेकिन देश के सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों और अंग्रेजी हुकूमत के भारतीय के खिलाफ अत्याचार देखकर आगे जाकर उन्हें बकाला छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलने का प्रेरणा मिला साल उन्नीस पास में जब बंगाल विभाजन की बात आई तब पूरी देश में जागरूकता फैलने लगी नए नए देश के स्वतंत्रता के मुद्दों से जुड़ने वाले राजेंद्र प्रसाद ने एक बात कही इन दिनों का वातावरण नए जीवन और नए आकांक्षाओं से भरा हुआ था मैं इनके प्रभाव से बच नहीं पा रहा था उन्होंने प्रभाव की बात की जिस प्रभाव ने एक परिवर्तन की ओर देश को ले गया जिस प्रभाव ने एक छात्र के की किताबी ज्ञानों को देश और समाज के हित के लिए इस्तेमाल करने की रास्ता दिखाई उस प्रभाव ने ही एक साधारण लेकिन असाधारण शोष और काबिल रखने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर देशभक्ति की चिराग जलाई जिस देशभक्ति के जज्बे के लिए हम उन्हें आज भी पूछते हैं जब देश आजाद हुआ तब संविधानिक तौर से एक संपूर्ण संविधान प्रस्तुत करके भारत को एक राष्ट्रपुरुष बनाने की जिम्मेदारी छोपी गई भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे देशभक्त विद्वान पर आज जिस भारतीय संविधान पर हमें नाश है जिस भारतीय संविधान ने आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों को सारे जहाज से अच्छा होने का एहसास दिया है उस संविधान पर हस्ताक्षर करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही उसे मायनेटेट दी है आजादी के बाद बनी पहली सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में राजेंद्र प्रसाद को खास कृषि विभाग में मंत्री प्रदान की गई डॉक्टर थे सटेंद्र भारत के पहले राष्ट्रपति सटेंद्र भारत के एक ऐसा राष्ट्रपति एक ऐसा जिम्मेदार देशभक्त जो अपनी हैसियत और काबिलियत के हिसाब से नहीं अपने जरूरत के हिसाब से वेतन लेता था एक ऐसा जिम्मेदार देशभक्त जो अपने निवृत्ति के बाद के समय सदाकत आश्रम में बिताई थी उन्नीस सौ तिरसठ के अट्ठाईस को उनका निधन हुआ देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न से विभूषित भारत का अनमोल रत्न आज भले हमारे बीच ना हो लेकिन उनका आदर्श मार्गदर्शन और देश के लिए समर्पण की भावना के साथ वो आज भी हम के दिल पे जीवित है इसी बात के साथ मैं अपना मत यहीं पर समाप्त करता हूँ धन्यवाद जय हिंद जय भारत धन्यवाद ओझा राजेंद्र प्रसाद जी को राजेंद्र बाबू के नाम से भी जाना जाता था उन्होंने सदैव राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा उनके सिद्धांतिक मूल्य सदैव हम सभी का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे अगले प्रतिभागी कर्नाटक से तेजस चक्रवर्ती हैं जो कन्नड़ भाषा में अपने विचार रखेंगे आप सभी के सामने इंटरप्रिटेशन की सुविधा मौजूद है आप सभी इंटरप्रिटेशन की सुविधा से हिंदी और अंग्रेजी भाषा में हेडफोन्स लगा के तेजस चक्रवर्ती का भाषण सुन सकते हैं तेजस चक्रवर्ती अभी तक ये पांचवा अवसर है जब आ, आ, इस तरीके का अवसर किया जा रहा है और ये सबसे छोटे प्रतिभागी हम सभी के सामने मौजूद हैं पूरे जोश के साथ आप सभी से अनुरोध है कि तेजस का स्वागत करेंगू ಎಲ್ಲಾಡದ ಗುರುರಿಯರಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನೊಂದವರ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಕುರಿತು ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಜಿರಾಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ತನ್ ತಂದೆ ಮಹದೇವ ಸಾಹಾಯಿ ತಾಯಿ ಕಮಳೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಇವರು ಬಹುಭಾಸ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಸರಳ ಜೀವನ ಉನ್ನತ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರದ ರೈತರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಇವರು ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಗಾ ಇವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರು ಹಲವಾರು ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಚಳವಳಿ ಹಾಗೂ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತಲೆಕು ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಜೊಳ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ವಿಸ್ತಭಟ್ಟಾದರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಸತ್ತಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಚಿತವಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಹೆಸರು ಈಗ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅವರ ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ನಾವು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ ಧನ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೇಜಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಕಟ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನ್ಯವಾದ ತೇಜಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण नि भूमिका भु निभाई थी उनके विचार और आदर्श आज भी हम सभी के लिए प्रासंगिक हैं। अगले प्रतिभागी हैं केरल से भानव एन एस जो अंग्रेजी भाषा में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे In Our means should be as pure as the ends. These strong words were from a multifaceted gem, gentleman of Indian politics, freedom fighter, journalist, and scholar, and the first among the first men of India. Yes, I am talking about none other than the great Dr. Rajendra Prasad. I am Venas, currently studying in 9th standard from Bardiya Bhavan, Panini, Kerala. Dr. Rajendra Prasad was born in 1884 in Bihar. He was a bright student, even better than the examiner. He was filled with immense love for his motherland, for which he retired from his lucrative career as a lawyer, as well as his duties as a professor to aid in the freedom struggle. He was instrumental as a volunteer in helping the flood victims of Bihar and the earthquake victims of Quetta in 1914. He was so greatly motivated by the courage, commitment, and sheer will of Mahatma Gandhi, and was a great follower of Mahatma Gandhi's principles. He was in Chambaran Satyagraha and responded Gandhiji's call to boycott Western educational establishment. He was the epitome of simplicity and selflessness and this was what made Mahatma to call him Ajadashatru, the one with no enemies. Even though he was arrested by the British twice for participating in Salt Satyagraha and the Quit India movement, he did not stop fighting for India's freedom until India got its independence proving his own words, nobody can push me aside. He transformed the imperial splendor of Rashtrapati Bhavan into an elegant Indian home. He set up new guidelines for parliamentarians which are still followed to this day. He truly was a Desh Ratna for which he was awarded Bharat Ratna Award in 1962. He was a great personality who, who helped to revive the educational system of India and reestablish the oldest university in the world, the Nalanda University. Let me conclude my speech by quoting words of Dr. Rajendra Prasad on 26 January 1915. Today is a great day for our country. For the first time in our long and checkered history, we find the whole of these vast lands brought under the jurisdiction of one constitution, which takes over the responsibility and welfare of more than 320 million people let it be like that. let every day be the best for india. as future citizens of india, it is our duty and responsibility to protect the freedom and values that we are enjoying now due to the sacrifices made by our great leaders. jai hind. thank you. thank you, bhana venis. श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों को प्रतिबंधित प्रतिबिंबित करने वाले ऐसे महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर अपने विचारों के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रही हैं महाराष्ट्र से प्रिया शेषनाथ चौधरी जो हिंदी भाषा में डॉक्टर प्रसाद पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। नमस्कार सभा में उपस्थित सभी मान्यवरों को वंदन करते हुए मैं कुमारी प्रिया शेषनाथ चौधरी सीकेडी महाविद्यालय की छात्रा महाराष्ट्र से अपना विषय प्रस्तुत करती हूँ बहुमुखी प्रतिभा के धनी बिहार के लाल जिसने अपने कार्यों से किया सारा देश निहाल सरल जीवन उच्च विचार ऐसे हमारे आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति महान क्रांतिकारी क्रियाशील पत्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने गुणों और ज्ञान के कारण गौरव प्राप्त करने में सक्षम हुए उन्होंने अपने साधारण से जीवन को देश का सर्वश्रेष्ठ जीवन बना दिया लेकिन अपने जीने का तर्ज नहीं बदला और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता रही उन्होंने दो कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद को संभाला इस अनविक युग में उन्होंने शांतिता की महत्वता को समझा और उस पर अधिक जोर दिया उनका यह विश्वास था कि वर्तमान और अतीत में एक महत्वपूर्ण कड़ी है उनकी कीर्ति और देश के प्रति उनके किए गए योगदान के कारण उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया अखंडता भारत की मानस और एकता है मिसाल हाथ थामकर एक जानकर कर भेदभाव की गिरे दीवार इन पंक्तियों के अनुसार उन्होंने अपने समर्पण से हिंदू और मुसलमान के एकता को बढ़ावा दिया वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई है इतना ही नहीं उन्होंने संविधान के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है भारत के पहले मंत्रिमंडल में उन्होंने कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया है उनकी असाधारण प्रतिभा उनके स्वभाव का अनोखा माधुर्य उनके चरित्र की विशालता और अति त्याग के गुणों ने उन्हें बाकी नेताओं से अधिक व्यापक और व्यक्तिगत रूप से प्रिय बना दिया था इतना ही नहीं उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में किसी को भी दखल अंदाजी का मौका न देते हुए स्वतंत्र रूप से अपना कार्य किया है और राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कई ऐसे दृष्टांत दिए हैं जो बाकियों के लिए उदाहरण बन गए हैं अपने वकालत के दौरान भी उन्होंने कानून रूप से लोगों को न्याय दिलाकर देश के प्रति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है ब्रिटिश सरकार के कई विरोधी आंदोलनों में उन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया है और 28 फरवरी उन्नीस को यह महान आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो गई लेकिन उनके विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा का साधन बने हुए हैं धन्यवाद जय हिंद धन्यवाद प्रिया शेषनाथ चौधरी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष सरलता और निस्वार्थ सेवा की प्रतिमूर्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म जयंती पर अपने विचार प्रस्तुत करने आ रही हैं हिमाचल प्रदेश से रितिका चंबियाल जो अंग्रेजी भाषा में डॉक्टर प्रसाद पर अपनी बात रखेंगी। वतन पर जो फिदा होता है अमर वो हर नौजवान होता है रहती है जब तक दुनिया ये अफसाना उसका बयां होता है अवर रिफॉर्म एंड रिफ्रेशिंग नून टू ऑल एक्सेलेंसेस प्रेजेंट ऑवर दिस इज रितिका चम्ब्याल रिप्रेजेंटिंग देवभूमि ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश एंड वाई के धर्मशाला टू एम स्टारिंग टू स्पीक ऑन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रत्ना ऑफ इंडिया and pride of bihar the first president of independent india the day he swore in his office on 26 january 1950 he had accepted only 50% of his salary which later he reduced to only 25% sir so was a man of values for he believed in attaining our ideals our means should be as pure as the end Dr. Prasad was born on 3rd December 1884 in Bihar. Did schooling in Sirin and was an exceptionally brilliant child. Once on an exam, he was remarked as "examinee is better than examiner." He cleared the entrance exam of the University of Calcutta in first attempt in first division with the highest score, and the whole country praised him. This was Dr. Rajendra Prasad a bright student and a successful lawyer who gave up his flourishing law career to join indian freedom movement he wasn't just a man of words but a man of actions like when he asked his son to drop out of the university of calcutta to support swadeshi movement he was a true follower of the gandhiji's principles and initiated movements like non-cooperation in salt satyagraha in bihar a true freedom fighter who contributed immensely in making new India and was awarded with Bharat Ratna. Rajendra Prasadji, a true representation of Indian culture and general public. So he was loved by all. A man who believed in simple living and high thinking. A man who embraced his humanity and leadership came naturally to him. These values. This mindset is what we need to inculcate in our younger generation. Rajendra Prasadji will always be remembered as a man of intellect, as a friend of poor, as a partner of the farmers, and especially as the leader of the nation. People will continue to get inspired with his idols. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Rithika Chambiyal. डॉक्टर प्रसाद सदैव सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते थे और उसी में विश्वास रखते थे उनकी चेतना और विवेक में नागरिकों का कल्याण हमेशा सर्वोच्च रहा उनके आदर्शों पर अपने साझा करने आ रही हैं और हाँ और प्रेरणा देने आ रही हैं केरला से अर्हा अनीता जोजफ़ जो अंग्रेजी भाषा में डॉक्टर प्रसाद पर अपने विचार रखेंगे Upon electing Dr. Rajendra Prasad as the Permanent Chairman of Constituent Assembly, a poetic tribute was made by Srimati Sarojini Naidu, quoting some lines of a Kashmiri poet, which goes, bulbul bul ko gul mubarak, gul ko chaman mubarak, rangin tabiyan ko Sukun mubarak. She said, Today, we are steeped in rainbow colored tents of speeches and praises of my great leader and comrade, Dr. Rajendra Prasad. Myself, Arhanita Joseph, representing NYK, Kano District, Kerala. Today, as we commemorate the 138th birthday of Dr. Rajendra Prasad, I feel honored to be given this opportunity to speak about this great national leader one of the chief architects of modern india dr. rachindra prasad was an eminent freedom fighter, a renowned jurist, an able administrator, a statesman par excellence, and above all, a humanist to the core. being an ardent follower of mahatma gandhi, he represented all that is best in indian culture as the president of the constituent assembly and subsequently as the president of india for two consecutive terms, dr. rajendra prasad played a very important role in shaping the destiny of our nation and left an indelible imprint of his personality on the minds of citizens of india. dr. rajendra prasad was elected as the first president of republic of india in 1952. He, along with India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, was able to establish many precedents and conventions, accumulating a healthy political relationship between the head of the state and head of the government. Even though Dr. Rajendra Prasad occupied the highest office in India, he led a very simple life. Dr. Rajendra Prasad not only worked for the freedom struggle, but also worked for the underprivileged throughout his life. In recognition for the yeoman service rendered by the illustrious son of India Dr. Rajendra Prasad was conferred Bharat Ratna nation's highest civilian award in 1963 Dr. Rajendra Prasad was an outstanding patriot a selfless human and an inspiration to today's youth On this occasion

अपने विचार प्रस्तुत करने आ रही हैं कर्नाटक से ई योगा जो अंग्रेजी भाषा में अपने प्रस्तुत करेंगी विचार। विचारिटरीज इंड ऑल द मेंबर्स गैदर्ड हियर नमस्ते टू वन एंड ऑल आई ई योगश्री कंसिडर इट एस मई प्रिवलेज टू स्टैंड बिफोर यू एज अ बॉक्सर फ्रॉम कर्नाटका In attaining our ideas, a means should be as pure as the end. A beautiful line quoted by Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad, born on 3rd December 1884 in Zeradei in Sivan district of Bihar, was an Indian independence activist, lawyer, scholar, and subsequently the first president of India. Dr. Rajendra Prasad has always been an inspiring and motivating personality for all of us he was not just active during the struggle of independence but also was fortunate enough to work with the father of our nation mahatma gandhi he set an exemplary to all the youths he is one amongst the prominent leader who sacrificed his lucrative career to work for the betterment of our motherland during his tenure as a president of india Many of his thoughts emphasized on the contribution made by farmers, youths, and soldiers of our nation. One such thought we need to recollect is Jai Jawan Jai Kisan. As a political leader, he has taken a crucial step in reviving the educational system. Once, in an exam, there were 10 questions, and students were to solve any 5. Dr. Prasad attempted all 10 and wrote on his answer sheet Check any 5. Now, that's something that Examiner was so impressed that he commented, Examinee is better than Examiner. Several such incidents from his life can be a great learning for us. His education and career tells us that he emerged as a popular and eminent figure. Today, on the occasion of his birth anniversary, we should upheld his ideas and follow the vision of leading a simple life with higher thinking in addition to all this, as a sports person, i would like to conclude that it is in our hands to set a goal for ourselves in achieving and marching forward for our nation like that of dr. rajendra prasad's vision. today, if we have awards and stadiums named after him, that's only because of the platform created for us to exhibit our talents. with ordinary talent and extraordinary perseverance, all things are attainable. Jai Hind. थैंक यू ई बासरी, अगली प्रतिभागी हैं उत्तर प्रदेश से विदुषी पनवर जो अंग्रेजी भाषा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदेश जयंती पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू टुडे आई विदुषी पमार ऑफ केंद्र विद्यालय पंजाब लाइंस ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वांट टू अबाउट हिज लाइफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज फोनली कॉल्ड राजन बाबू by his friends and admirers he was a person with a great heart he always enjoyed serving the people of our country he was born in the village of bihar on 3rd december 1884 to the land-owning family of shri mati kamleshwari devi and shri mahadev sahe his father was a scholar of persian languages and sanskrit his mother was a religious human this shaped his personality from childhood and various segments of his life. Dr. Rajendra Prasad was the first president of our country. After finishing his elementary education, he went to T.K. Ghosh Academy in Patna. He played an instrumental role in forming Bihar Students Conference at the Hall of Patna College in 1906. Then he joined the Presidency College in Kolkata for his further studies. Then he became a lawyer and joined the High Court of Bihar and Orissa. His literary contributions include India Divided, Satyagraha in Champaran, Bapu Ke Kadmome, and Atm Kadha. He was an active political leader and took a part in the freedom movement of India. During the independence movement, he, he wrote articles for the revolutionary publications like Searchlight and Desh. He was elected as the president of National Congress in October 1934. He had been sent to jail several times. Dr Rajendra Prasad is also known for being a school teacher. Dr Rajendra Prasad played a very important role as the first president of India. He helped in implementing the laws in the country. Thank you and have a nice day. Jai Hind. Vidushi Panwar आधुनिक भारत की नींव रखने में डॉक्टर प्रसाद का महान योगदान हमें हमेशा याद रहेगा और उसी योगदान पर प्रकाश देने आ रहे हैं सूरज सुभाष यादव महाराष्ट्र से जो अंग्रेज़ी भाषा में डॉक्टर प्रसाद पर अपने विचारों के ज़रिए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सादा जीवन उच्च विचार यही परिभाषा रही है डॉ राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन की अ वेरी फोनेटिक आफ्टरनून टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंट हियर आई एम सूरज सुभाष यादव रिप्रेजेंटिंग एनवाईकेएस मुंबई महाराष्ट्र एंड आई वुड बी स्पीकिंग ऑन द लाइफ ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट गेटिंग फैसिनेटेड विद फेम एंड प्राइड इज अ टेम्पटेशन दैट कम्स विद पावर एंड अथॉरिटी बट नॉट फॉर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद born on 3rd december 1884 in the sivan district of bihar he committed his life for the nation he remained in the vanguard of india's freedom struggle and then guided the future of new and independent india dr rajendra prasad he was an extraordinary student an erudite scholar a true humanist and a very devoted person dr prasad was the president of the indian national congress in 1934 1939 and 1947 and later he went to become the president of the india's constituent assembly and further when the constitution came into effect he became the first president of republic india he advocated to establish a system that the government judiciary should be very separate very different from the ruling party and that is what we see we have an independent judiciary system as a leader he profounded humility and he believed in simple living and high thinking. Dr. Rajendra Prasad won many hearts and thus he established humanity as one of the core attributes of a true leader. And a wise man once said, A true leader does not think less of himself, but thinks of himself less. Dr. Rajendra Prasad is considered to be a man of moral values and principles. When he was a president, he instituted numerous reforms. And also proposed numerous reforms to the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. We are well aware about the beauty of the Mughal Gardens, and it was during his tenure that the Mughal Gardens were opened to the public for the first time. So, from then till now, the Mughal Gardens of the Rashtrapati Bhavan have not been a major tourist destination only for us in India, but also people travelling from abroad. Be it the 1914 floods of Bihar and Bengal, or be it the 1934 earthquake of uh, Bihar, Dr. Rajendra Prasad continued to be a true humanitarian and volunteered to provide relief to these people. Dr. Rajendra Prasad published eight different books during his lifetime, and after serving President of India for 12 years, he retired in the year 1962, and it was the same year when he was awarded with Bharat Ratna, India's highest civilian award. Friends, his life wasn't a rags to riches journey but it was an extraordinary example of an ordinary man with human values who later turned to be a leader when the need was the most so let us learn to be more human let us learn humanity from him and when humanity is embraced leadership comes from within he advocated the comprehensive development of the child that is what we call as holistic development of students these days he admired scientific temper and he also believed that how the findings can be helped to achieve and provide benefit to the masses. In his view, a teacher is a person who has the power to bring a change, and it is knowledge through which the perceptions can be altered between both teaching as well as learning. And as an educator in one of the most prosperous schools and the progressive schools in Delhi NCR, I feel proud to share that what Dr. Rajendra Prasad envisioned decades ago. This is what we are practicing, and I see our students every single day doing those things. Friends, as we usher into a new era, an era of globalization and an era of competition, we tend to forget our values and our roots. In such times, one of the biggest lessons from Dr. Rajendra Prasad's quote that I would like to quote is in attaining our ideals, our means should be as pure as the end, which means the process is equally important as the end. सो संविधान के शिल्पकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सादगी सेवा और देशभक्ति के प्रतिमूर्ति थे उनके उच्च विचार देशवासियों के लिए सदैव विस्मरणीय और प्रेरणा स्त्रोत रहेंगे आइए सुनते हैं क्या था उनका योगदान और कैसा था उनका जीवन झारखंड से आई आकांक्षा कुमारी से जो हिंदी भाषा में राजेंद्र प्रसाद पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी सादगी सरलता एवं ऊंच विचारों के प्रकाश मनी असाधारण प्रतिभावान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम सभी का आभार है हम सभी का सम्मान है जो हर जंगलों का प्रदेश कहे जाने वाले राज्य झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए और नेहरू युवा केंद्र लोहरदगा का आभार व्यक्त करते हुए मैं आकांक्षा कुमारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कुछ स्मृतियों संग उपस्थित हूँ कहते हैं प्रत्येक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती इसी प्रकार एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति में कितना असाधारण व्यक्तित्व तो छुपा है इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बात का जीता जागता उदाहरण है तीन दिसंबर अठारह को बिहार के जीरादेई में एक ऐसे नायक का जन्म हुआ जिन्होंने भारत को उस वक्त संभाला जब बंटवारे से लहूलुहान था सारा मुल्क नहीं था हर हाथ में रोटी नहीं था हर हाथ में काम ना कल था ना कारखाना उस दौर का भारत नहीं था इतना आसान उस दौर में उस वक्त में भारत को मिला एक ऐसा मुखिया जिसने अपने कंधों पर भारत का बोझ उठाकर आयातिक भारत को निर्यातिक भारत के रूप में स्थापित किया न सिर्फ स्वतंत्रता के पश्चात अपितु स्वतंत्रता के पूर्व उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर असहयोग नमक तथा भारत छोड़ो जैसे आंदोलन कर अपनी भारत माता को स्वतंत्र कराकर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर एक ऐसा संविधान का निर्माण करते हैं कि आज अगर पूरा विश्व भी एक राष्ट्र बनने को आए तो हमारा भारतीय संविधान पूरे विश्व का संविधान होगा उन्नीस में जब राष्ट्रपति का दूसरा चुनाव आता है तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफी वृद्ध थे। एवं दमे जैसे बीमारी से ग्रसित थे इसके बाद भी उन्होंने कहा अगर देश की जनता और देश का संगठन चाहता है मैं दूसरा टर्म भी संवैधानिक पद के रूप में बढ़ाऊं, तो मैं तैयार हूँ और वह दूसरे बार भी पूर्ण बहुमत से हमारे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होते हैं इनकी देश के प्रति ईमानदारी लगन को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया और उन्होंने कभी भी अपने पद का उपयोग अपने निजी जीवन के लिए नहीं किया 12 मई उन्नीस को वो सेवा सेवानिमृत होते हैं और 13 मई उन्नीस को वो राष्ट्रपति के सारे सोनों सौकत छोड़ बिहार के सदाकत आश्रम चले जाते हैं सितंबर में जब उनकी धर्मपत्नी महाराजवंशी का निधन होता है और अक्टूबर में वो महाराजवंशी के सारे गहने इंडिया चाइना वार सिक्योरिटी फंड में समर्पित कर देते हैं ऐसे थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुझे लगता है विश्व में वो मात्र एक ऐसे विद्यार्थी थे जिनके उत्तर पुस्तिका पर एक परीक्षक ने लिखा एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर अर्थात परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है थैंक यू भारत माता की थैंक यू धन्यवाद आकांक्षा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में प्रमुख नेताओं में से एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जिन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए विकास के अमूल्य योगदान दिया और साथ में उनका जो जीवन है वो सदैव हम सबके लिए वंदनीय रहेगा अगले प्रतिभागी हैं वेदांत सेनी जो चंडीगढ़ से आए हैं और अंग्रेजी भाषा में डॉक्टर प्रसाद पर अपने विचार रखेंगे Namaskar to the respected dignitaries and dear colleagues. Today, I, Vedan Seni, pay my respects to our first president, Dr. Rajendra Prasad. We know him as a lawyer, a leader of the Indian National Congress from Bihar during the Indian independence movement, and the first president of India. His early childhood was spent in listening to bhajans sung by his mother and stories from the Ramayana. Which left a deep impression on his young mind. Dr. Prasad had his first awakening of political consciousness during his college time. He became a member of the Dawn Society founded by Satish Chandra Mukherjee. The society had esteemed members who introduced him to the Swadeshi movement. It was through the Dawn Society that he came across Aurobindo Ghosh and Bipin Chandrapal. And became the founding member of one of the first student organizations in India, the Bihar Students Conference, which had as its patrons Annie Besant, Sarojini Naidu, and Mahatma Gandhi. Most of its members later joined the Non-Cooperation Movement. Dr. Prasad himself joined the Indian National Congress formally in 1911. He worked in close association with Mahatma Gandhi during the champaran satyagraha in 1917 which was conducted against the atrocities on indigo cultivators by the british raj he imbibed the values of truth non-violence simple living and followed them to the core due to his deep sense of humanity his unswerving nationalism and his belief in democracy dr rajendra prasad was elected

धन्यवाद वेदांत सैनी डॉक्टर प्रसाद जी के बहुमूल्य योगदान के लिए आज का दिन राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है अगली प्रतिभागी हैं उड़ीसा से शीति लगना सतपथी जो अंग्रेजी भाषा में अपने विचार प्रस्तुत करेंगी Good morning, everyone. Honorable dignitaries present over here, my dear participants and their escorts. I am Shithi Lagna Shatpathi of Class 10th, Kendra Vidyalaya, Koraput, Odisha. I am going to deliver a short speech on Dr. Rajendra Prashad, the first president of India. It is said, all that glitter is not gold. Dr. Rajendra Prashad, the first president of India, is a solid example of this he was not among those leaders who carry businesses of human ideals by expressions he made bapu's spiritual politics as the object of his life and dreamt for the progress and development of an ideal india dr rajendra prasad was the first president of independent india he was a well-read indian politician he was a scholar professor eminent prominent freedom fighter highly knowledgeable man and an active figure in India's independence movement. He was a brilliant student throughout his academic era. He became a professional lawyer, but he gave up his legal practice to participate in India's freedom struggle. He was the President of India from 1950 to 1962. He was the longest serving President of India with a tenure of around 12 years in office. He was born on 3rd December, 1884, in Bihar. He worked along with Gandhi to uplift the peasants exploited by the indigo planters in Bihar. He was also an active journalist who founded and edited several publications. He was the life breath of the constructive program and was a great votary of khadi. Soon after his retirement, he was awarded Bharat Ratna, the highest civilian honor. Dr. Rajendra Prasad passed away in 1963 in Patna due to cardiac arrest. indeed he was a great leader of his own kind and gandhi uh, and was known the gandhi of bihar he was not only a leading freedom fighter but he is considered to be one of the architects of indian republic thank you धन्यवाद श्री तिलकना सतपति अगली प्रतिभागी हैं पुडुचेरी से तानिया एस जो तमिल भाषा में डॉ राजेंद्र प्रसाद के जीवन पर प्रकाश डालेंगी A very good morning to the Excellencies. My name is S. Tanya of Kendra Vidyalaya Karekal Puducherry. Today, on the birth anniversary of Dr. Rajendra Prasad, I am going to present before you a speech in my regional language, Tamil. சான்றோர் வரிசையில் முன்னணியில் நிற்பவராக சான்றாண்மைக்கு இலக்கணமாக நிகழ்ந்தவராக வழங்கும் பாரத ரத்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவரை பற்றி பேச நெஞ்சம் பெருவகை கொள்கிறது கனிகளின் ஒன்றாக பருத்தவர் ஆறுவது சினம் அவ்வையே அவருக்காக எழுதினரோ எனவோ கனிச்சொற்களையே பேசுவாரே தவிர காய்ச்சொற்கள் அவரை என்றும் கவர்ந்ததில்லை ஏழைகளின் துயர் கண்டு கண் கலங்கினவர் கண்ணீர் சிதறியவர் தேசத் தொண்டுகளிலே அடுக்கடுக்காக இன்னல்கள் வந்தபோதெல்லாம் கவலைப்படாமல் தேசத்தொண்டுகள் கடமையை செய்து தவறிய வரலர் என் கடன் பணி செய்து கிடைப்பதே என்பதுதான் ராஜன் பாபுவின் தாரக மந்திரமாக உழந்தது ராஜன் பாபுவுக்கு பகையே இல்லை எனலாம் அப்படி மீறி தள்ளாடி தடுமாறி ஏதாவது வருமானால் அதை கூட தனது நகை நகர்த்திவிடுவார் விடுவார் பிரிட்டிஷ் அரசு சிறைக்கு அனுப்பும் போதெல்லாம் சில நூல்களை எழுதி கொண்டே வெளிவரும் சிந்தனையாளர் ராஜன் பாபு அப்படி பார்த்தால் ராஜன் பாபுவின் ஒன்னாவது குறிப்பாக கூறுவதனால் பாபுவின் பிரிக்கப்பட்ட இந்தியா டிவைடட் இந்தியா என்ற நூல் நாட்டில் பிரிவினையால் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் தலைவர்களிடையே அப்போது சமரசம் கண்ட சம்பவங்களையும் மிக அழகாக நினைவாற்றல் சின்னமாக நிலைநிறுத்தியுள்ளது எனலாம் ராஜேந்திர பிரசாத் பழமையை போற்றும் பண்பாளர் அதற்காக எதையும் குருட்டுத்தனமாக ஏற்ற நடப்பவரும் இல்லை காலற்று கேட்ட கருத்துடன் அவற்றுக்கு மறு செம்மல் தீண்டாமை விளக்கு அறிவியல் கல்வி ஆகியவற்றை ஆதரித்து அதற்கான முன்னேற்றங்களுக்கு காலநிலை ஏற்ற உதவி புரிந்தார் அதே நேரத்தில் பசுவதை தருப்பு மிருகபலி இவற்றை எதிர்த்து தடுத்து நிறுத்தினார் வேலை செய்யும் போது இது பெரியது இது சிறியது என்று பாராமல் வேலைகளுக்கானால் அழை தொடர்ந்து செய்து வெற்றி பெற உழைக்க வேண்டும் என்றார் தான் பேசும்போது கட்சி செயல் கலந்தாலோசனைகளையும் மாநாட்டுகளிலும் இதே எனது கூடியுள்ள மக்களுக்கு அறிவுரையாக கூறினார் அதிகாலையிலே எழுந்திருப்பார் அலுவலக கோப்புகளை பார்த்து அவற்றிற்கேற்ற குறிப்புகளை எழுதி முடித்து விடுவார் வந்துள்ள கடிதங்கள் பதில்களையும் எழுதி அனுப்புவார் இந்து மத பண்பாடுகள் கெடாமல் தெய்வ பக்தி வழிபாடுகளை தவறாமல் செய்து முடிப்பார் காலம் பொன்னானது நேரத்தை வீணாக்காதே காலத்தோடு கடமைகளையும் செய்து முடிக்க வேண்டும் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவரது பொன்மொழியாகும் ராஜேந்திர பாபு वाली निर्पम देश से तैयार दे का भारत जय हिंद थैंक यू वेरी मच तानिया एस कैसे आज युवाओं को भारत रत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा किए गए योगदान से प्रेरणा लेनी चाहिए इस पर अपने विचार मंच पर रखने आ रही हैं पंजाब से जोगिता जो हिंदी भाषा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद के योगदान पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी मैं उस भारत से आती हूँ यहाँ एक युवा वकालत त्याग राष्ट्र के लिए त्यागी बन जाता है वो विदेशों में जाकर भारतीय संस्कृति वेशभूषा और खादी ही अपनाता है जिसकी बुद्धि ज्ञान तो बलवान है मगर वह खुद धरती जैसा धैर्यवान है सदन में उपस्थित सभी को आप मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार और सत श्री अकाल मैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर और भारत के अंतिम कस्बे डेरा बाबा नानक से आई हूँ और आप सभी की अनुमति से आज मैं हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी के बारे में अपने विचार प्रकट करूंगी कौन नहीं जानता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के योगदानों को जब जब हिंदू कोड बिल की बात चलेगी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की बात चलेगी भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी की बात चलेगी भारत के प्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्री की बात चलेगी आधावेतन लेने वाले हमारे राष्ट्रपति जी की बात चलेगी चंपारण आंदोलन की बात चलेगी हमारे संविधान की बात चलेगी तब तब हम सबके मन में प्यारी सी तस्वीर बनेगी वो तस्वीर होगी हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी की अगर उनके व्यक्तित्व की बात करें तो सरलता सहजता गंभीरता दृढ़ता मानवर मुझे लगता है कि जो ऐसे शब्द हैं जिनमें उनके व्यक्तित्व का निचोड़ मिलता है बर्मा में जाके किसानों को शोषण मुक्त करवाना हो चाहे किसानों के लिए मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करना हो अपने भारतीय संस्कृति भाषा के अस्तित्व को कायम रखना हो बारह वर्ष वो राष्ट्रपति के पद पर रहे और विभिन्न देशों में भारत की प्रजातंत्र शासन की जड़ों को मजबूत किया हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी ने कला से लेके कृषि तक आध्यात्मिकता से लेके राजनीति तक राष्ट्र एकता से लेकर राष्ट्र अखंडता तक राष्ट्र त्याग और नैतिकता तक अपना पूरा योगदान दिया और आज ये मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारे भारत के जड़ों को ना ही कभी कोई भूतकाल में हिला पाया था और ना ही कभी कोई भविष्य में हिला पाएगा हमारा सबका प्यारा भारत ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी ने हमें यह संदेश भी दिया कि सादा जीवन उच्च विचार अपनाकर भी हम अपनी जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और हम सभी युवा अगर हम अपने जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और जिंदगी के लक्ष्य की प्राप्ति के बाद हम कैसे राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं अंत में मैं दो पंक्तियाँ हम सभी हिंदुस्तान वासियों के नाम करना चाहूँगी क्या पूछते हो जमाने को हमारी कहानी क्या पूछते हो जमाने को हमारी कहानी हमारी तो बस एक पहचान है हम हैं हिंदुस्तानी हम हैं हिंदुस्तानी कोटि कोटि धन्यवाद भारत माता की जय धन्यवाद धन्यवाद जोगिता अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से डॉक्टर प्रसाद ने राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए जो काम किए हैं उसे आज एक अखंड ज्योत प्रज्वलित हुई है और इसी अखंड ज्योत को प्रज्वलित करने के लिए और युवाओं में जो प्रेरणा उन्होंने दी है उसको जागृत करने के लिए सक्षम यादव जी आ रहे हैं चंडीगढ़ से जो अंग्रेजी भाषा में डॉक्टर प्रसाद पर अपने विचार रखेंगे लुकिंग एट द आंसर शीट ऑफ अ स्टूडेंट एन एग्जामिनर वन सेट द एग्जाम इज बेटर दैन द एग्जामिनर द अकेडमिकली ब्रिलियंट स्टूडेंट वॉज नन अदर दैन द भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद The first president of independent India. Years later, there is hardly any student of Bihar who doesn't get to hear, either at home or school, that he should study like Rajendra Babu. Rajendra Prasad was born on 3rd December 1884 in the small village Zeradai in Bihar. He decided to focus on arts and did his MA in economics from the University of Calcutta in Bihar in December 1904. A devoted student and a public activist, he was an active member of the John Society. On 26 January 1950, two and a half years after independence, the Constitution of Independent India was ratified and Prasad was elected as the country's first president. He contributed in spreading Hindi as the national language. After serving 12 years as the president of the country, he announced his decision to retire in 1962 he returned to Patna and preferred to stay in the campus Vihar Vidyapeet. In the same year, he was awarded the Bharat Ratna, the nation's highest civilian award. Even though Rajendra Prasad occupied the highest office in India, he led a very simple life. His integrity, purity of character and devotion, love of humanity, and depth of vision marked him out as a towering personality in our national firmament. Jai Jawan, Jai Kisan, thank you. धन्यवाद सक्षम जाधव महान स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र बाबू जी ने निस्वार्थ सेवा और सादगीपूर्ण जीवन के साथ अनुकरणीय उदाहरण हम सबके सामने आज प्रस्तुत किया है इसी पर अपने विचार रखने आ रहे हैं शैली तोमर मध्य प्रदेश से जो अंग्रेजी भाषा में राजेंद्र प्रस, प्रसाद पर अपने विचार रखेंगी। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ अशोक सम्राट जैसा राजा था मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता को पाया जाता था मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था अ अवेरी फनाचे गुड मॉर्निंग टू स्पेक्टेड सर मैम एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ यूथ पार्लियामेंट्स प्रेजेंट हेयर ही आर स्टैंडिंग बिफोर यू शैली तोमर फ्रॉम पी कॉलेज मुरैना जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश Speaking about our honorable first president of India Dr Rajendra Prasad. He was born in a caste family in the Ziradai in the Sivan district of Bihar during British Raj. His father Mahadev Sai Srivastava was a scholar of both Persian and Sanskrit language. His mother was a devout woman who would tell stories to his son from Ramayana and Mahabharata. He was married at the early age of 12. He passed his F.A. from the University of Calcutta. Impressed by his intellect, one of his examiners commented on his answer sheet that, Examinee is better than examiner. He also played a great important role in the independence movement. His first association with Indian National Congress was during 1906. He met Mahatma Gandhi during the Lucknow session. One of the fact-finding mission at Champaran, Mahatma Gandhi asked him to come with his all volunteer. He was so greatly moved with Kare's dedication. As soon as Mahatma Gandhi passed, non-cooperation movement, he left his lucrative career of the lawyer and all the duties of his university to aid the movement. He also helped the people who were affected by the flood that struck Bihar and Bengal. He was elected as the president of Indian National Congress in 1934 during the Bombay session. He was again re-elected for the president post when Subhas Chandra resigned from his post on 8 August 1942. Indian National Congress passed Quit India Resolution where many great leaders were arrested. Dr. Rajendra Prasad was also arrested from the Sadakat Ashram Patna and sent to Bangipur Central Jail. He became the first president of India and traveled the world to develop the foreign diplomatic report with other nations. He was the president who was elected for two consecutive terms in 1952 and 1957 and was only the President of India to achieve this feat. The Mughal Gardens of Rastvati Bhavan were opened during his tenure for the first time for the Delhi people and it became attractive for all the Delhi people and all over the world. By serving 12 years as the President of the country, he decided to retire from his post. He was also awarded as a Bharat Ratna, the nation's highest civilian award. He died at 28 February 1963. राष्ट्रपति स्मृति संग्रहालय इन पटना इज डेडिकेटेड टू हिम आई वुड लाइक टू एंड माय स्पीच विद वन ऑफ इज ग्रेट थॉट मंजिल को पाने की दिशा में आई रिपीट इट मंजिल को पाने की दिशा में याद रहे कि मंजिल की ओर बढ़ता हुआ रास्ता भी उतना ही नेक हो थैंक यू जय हिंद जय भारत थैंक यू शैली तोमर सरल व्यक्तित्व वाले राजेंद्र बाबूजी ने देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारतवासियों के अधिकारों की रक्षा का बड़ा दायित्व निभाया अगली प्रतिभागी हैं अंजनी अग्रवत राजस्थान से जो हिंदी भाषा में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे भारत की नींव का आगाज अलग है अलग है उसका संविधान अनेकता में एकता को जोड़ता हो रहा भारत महान हो रहा भारत महान सुप्रभात सदन में उपस्थित आदरणीय गुरुजन और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार मरुभूमि राजस्थान से मैं अंजनी अग्रावल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बसीडी धौलपुर की छात्रा हूं आज जिस महाशक्सियत की हम बात कर रहे हैं उनकी पहचान श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों और परंपरा की चट्टान के रूप में होती है जी हाँ हम बात कर रहे हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की नव भारत की नींव में योगदान देने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म तीन दिसंबर अठारह में हुआ उन्होंने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा वह गोर की तरह चमके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद

उनका कार्यकाल शुरू होता है 26 जनवरी 1950 से 13 मई उन्नीस तक उन्नीस में रिटायरमेंट हुए उनके पास गुजारे करने के लिए उनके पास थी ग्यारह सौ की पेंशन थोड़ा सा पीछे चलते हैं 10 मई उन्नीस में दिल्ली में एक जलसा हुआ था पूरा शहर उमड़ आया था क्यों आया था वह शहर उनके बारे में लिखने व वा बोलने वाले बताते हैं कि वह शहर आया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विदाई देने के लिए ऐसे कितने ही राष्ट्रपति होंगे कितने ही नेता होंगे कितने ही लोग होंगे जिनके बारे में ये लिखा और पढ़ा जाएगा कि जब उन्होंने सावधानिक पद छोड़ा तब इतनी इतनी इतने लोग उमड़ आए थे ऐसे थे राजेंद्र बाबू इसी के, इसी वाणी के साथ मैं विराम देना चाहूंगी कि सादगी वजनता के प्रति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कृषि व खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉ राजेंद्र प्रसाद धन्यवाद धन्यवाद अंजनी अग्रवाल अगली प्रतिभागी जपनीत कौर है पंजाब से जो अंग्रेजी भाषा में भारत रत्न देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पर

प्रगतिशील व स्वतंत्र भारत की मूर्ति थे जो सादगी और सहनशीलता की अखंड मूर्ति थे जो संविधान सभा के स्थाई सदस्य व महान राजनेता थे दो अद्वितीय अतुलनीय भारत की पहचान थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो थ्रू माई सेल्फ रिटन पोयम I would like to pay tribute to Dr. Rajin Prasad ji, man amongst the men. The most beautiful tribute I have read about Dr. Rajin Prasad ji was given by Srimati Sarojini Naidu. She said, I was asked to write a few lines about Dr. Rajin Prasad ji and she said, I could do so if I had a pen made of gold dipped in the sweetness of honey, because the words will not be enough to pay tribute to what a kind gentleman Dr. Rajin Prasadji was. Dr. Rajin Prasaji was born with the spirit of Vihar. He was the epitome of gentleness. In Mahabharat, it has been written, that gentleness can overcome the hardest things, it can overcome the softest things. Dr. Rajin Prasadji was the founding father of modern, Indian Republic. He paid an unmatchable contribution in the non-cooperation movement, Quit India movement, jurisdiction of one constitution, one union. My head goes down to this towering personality who could move 325 members in different ways into one conductive direction. Dr. Rajendra Prasadji, standing tall with PhD degree in one hand and unquestionable patriotism, becoming the Food and Agriculture Minister, President of Constituent Assembly, and then the only two-term President of India dr rajin prasaji was surrounded by the people who had nationalism and secularism flowing in their blood dr rajin prasaji born in the state of bihar requested gandhi ji to visit champaran and gandhi taught him the essence of satyagraha and one nation one caste Dr. Rajendra Prasadji loved, loved to educate India. He was such a kind gentleman that he used to state saris for his sister, and none of his grandchildren were aware about his presidential post. One of the finest incidents I'm being remembered about was in my district, Ludhiana, Punjab, when he came to inaugurate the engineering college. When he came to know the students had nothing to travel with, he gave his own car to them. Dr. Rajendra Prasadji was not just an Ajat Shatru, but a man filled with humbleness and politeness. If you could ask me about a standard to measure the national character, I would simply suggest the name of Dr. Rajendra Prasadji. Today, we are facing a lot of crisis in the world, but my dear friends, I believe the major crisis which we are facing is the crisis of character. And Dr. Rajendra ji image comes as a beacon of light in my mind. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वॉज ट्रूली अ भारत रत्न एंड ट्रू राजा ऑफ इंडियन प्रजा थैंक यू एवरीबडी जय हिंद जय भारत थैंक यू जपनीत कौर और इस कार्यक्रम के आखिरी प्रतिभागी हैं तनिष्का तोमर मध्य प्रदेश से जो अंग्रेजी भाषा में भारत रत्न स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉ राजेंद्र प्रसाद पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे तोमर Firstly, I feel very honored to come here from Khandwa district and represent Madhya Pradesh, the heart of India, which encompasses within itself the culture, the religions, the diversity, and the richness of the whole country. And on this occasion of 138th birth anniversary of Bharat Ratna, Dr. Rajendra Prasad, I cannot be more happy to speak on his life and collectively pay the tribute for all the contributions ha he has made. बिहार के जिरदोई गांव के भारत मां के सपूत डॉक्टर राजेंद्र बाबू प्रधानमंत्री नेहरू से हिंदू कोड बिल को लेकर तीखी झड़प करने वाले डॉक्टर राजेंद्र बाबू सरदार पटेल के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले डॉक्टर बाबू तो अपनी रिटायरमेंट के अगले ही दिन आश्रम में अपना जीवन सादगी से बिताने वाले डॉक्टर राजेंद्र बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड बिन अमिनल पर्सनैलिटी इन हिज प्रोफेशनल एंड हिज पर्सनल लाइफ एंड आई फील दैट देर कुड बी नो अदर Moment wherein I can share a few of his life principles with you all, which we as the youths of this nation could inculcate and incorporate in our lives. The very first is simplicity in his life. Dr. Rajendra Prasad, after his retirement, left all the luxury to live the rest of his life in an ashram he did not take his entire salary and also refused the presidential perks during his tenure and i think that we if we start working in the direction of using less resources we'll proceed we'll prove to be more sustainable and simple Second, patriotism over personal life. It must be noted that Dr. Rajendra Prasad, who, who could be a better example than Dr. Rajendra Prasad, who kept the nation first and went to his sister's cremation later? He stopped his uh, practice as an advocate in order to contribute in the freedom struggle. And I think that if we as the citizens uh, are, are standing for our rights, we should also fulfill our duties. Duties which are very small but important in nature. Such as paying our taxes on time, disposing garbage properly, and doing very minimal, minimal tasks like polluting less. Third and the last one passion. It must be noted that in the Presidency University, the examiner, while looking at his exam, exam sheet, has said the examinee is better than the examiner.

विश्व गगन पर अनगिनत गौरव के दीपक अब भी जलते हैं में, में स्वर्णमय युग के शत सपने पलते हैं। प्रस्पेरिटी एंड सक्सेस फॉर द नेशन एंड फॉर ऑल ऑफ एस थैंक यू जय हिंद जय भारत धन्यवाद तनिष्का तोमर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में डॉ राजेंद्र प्रसाद पर विचार रखना आज आप सभी के लिए गर्व का मौका रहा होगा इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं आप सभी युवाओं का राष्ट्र नेताओं पर अपने विचार को इस ऐतिहासिक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद सभी विशिष्ट जनों का इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए भी साधुवाद अब आप सभी प्रतिभागियों से आग्रह है कि पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर के बैंकवेट हॉल में आकर भोजन ग्रहण करें धन्यवाद